जी दोस्तों, ये हमारे पास गाड़ी है, ये इसका स्टीयरिंग बहुत टाइट है। अगर आपके पास भी मैनुअल गाड़ी है या ऑटोमेटिक गाड़ी है, आपका स्टीयरिंग टाइट हो जाता है तो मैं आज आपको मशवरा एक देने लगूँ, घर बैठे आप मसला हल कर सकते हैं। वो कैसे, आइए दिखाता हूँ मैं आपको। अच्छा जी, ये हमारे पास गाड़ी है, ठीक है, मैनुअल इसका स्टीयरिंग है, इसमें कोई भी बेल्ट वाला सिस्टम नहीं है जो कि इसमें बेल्ट घुमाए, ठीक है, इसमें मैनुअल है बिल्कुल। इधर तेल डलता है, ये देखें। अच्छा, स्टीयरिंग घुमाएं जी, ये बिल्कुल देखें, ये स्टीयरिंग घूम रहा है ये, ठीक है। अगर इसके अंदर बस करें, अगर इसके अंदर तेल नहीं ना होगा, ये स्टीयरिंग बॉक्स लगा हुआ, बस इधर तक इसका फंक्शन है, बाकी कोई फंक्शन नहीं है, ठीक है। ये जो नट आपने खोल लेना, नट खोल के ये बोल्ट जो लगा हुआ है ये आपने खोल के 14 का, इसमें आपने ऑयल डाल देना है घर बैठे। कौन सा, जो इंजन के अंदर ऑयल डालते हैं ना, इंजन ऑयल, वही आपने इसके अंदर डाल के भर लेना है, बस इसमें कोई लेवल लुवल नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद आपने देखना है कि आपका स्टीयरिंग पहले से नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये मैनुअल, ठीक है, ऑटोमेटिक नहीं है ये। अगर ऑटोमेटिक होता तो उसमें एक बॉक्स लगा होता जिस तरीके से ये बॉक्स है, ठीक है, उसमें फिर स्टीयरिंग ऑयल डालना पड़ता है। तो यकीनन आपको मेरी बात समझ आ गई होगी, ये मैनुअल है, ठीक है, सादा स्टीयरिंग है, इसमें कोई बेल्ट वाला वगैरह नहीं लगा होता, इसमें आपने सिर्फ और सिर्फ ऑयल डालना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।